रिश्ते उम्र लंबी उम्र तक चले रहने की वास्ते तू सुझाव कह देना चाहनी है वाले दे अपने सुझाव दे मात रखना की सो हे गाइस नमस्कार मैं आपका दोस्त बहादुर भारद्वाज वेलकम टू अनदर व्लॉग अबाउट गंदी लाइफ। तो कैसे हो दोस्तों आई होप कि सब मस्त होंगे। तो आज का आप लोग जो है अपने इंदौरा वाले घर से शूट कर रहा हूँ बड़े बड़े दिनों बाद मुझे याद आती है व्लॉग शूट करने की। तो देखते हैं आज का कैसा ये व्लॉग रहने वाला है। अभी सुबह सुबह मैं उठा था और मेरा मन था कि मैं व्लॉग आज बनाऊँ तो देखते हैं फिर चलिए। पापा ऐसे हैं ना कि जब भी सुबह चाय पीनी है ना तो पहले इनको चाहिए रोटी, क्योंकि इनकी शुरू से ही आदत रही है कि जब भी इन्होंने चाय पीनी है तो पहले सबसे पहले नाश्ता करना है। तो हमारे एक कहावत की है बोलते हैं कि कभी भी अगर कोई भी काम करना है तो पहले खाना खा के जाओ सुबह सुबह। तो हमारे पापा जी ऐसी हैबिट है कि दिन में जितनी बार खाना मिल जाए उतनी बार खा लेंगे और आज तक कभी बीमार भी नहीं हुए उतने ज़्यादा। टांगों की थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन वो क्या कि कमज़ोरी की वजह से, अदरवाइज़ तो कोई बीमारी इनको आज तक नहीं हुई। और आई होप कि भगवान ऐसे इनको सदा सुखी रखे और हमारी उम्र भी इनको लग जाए। तो पापा भी रोटी मांग रहे चाय दिए इनको और ये है सुबह सुबह इंग्लिश गर्ल चाय लेके आई है पत्ते ठंडे। हेलो गाइस रोटी है कोई है डैडी। हेलो गाइस हेलो कर हेलो की करते ये करना ये चाची है ये कर हत्ता करे हाँ ये कर हालात आए। पापा जी के बैठने का तरीका कुछ इस अंदाज में डैड टोंगुर में मार दे एक बार डॉक्टर के बरुआ डाई कर भैन डाई कर ए। तो पापा जी ना चाय के साथ रोटी जरूर खाते हैं ऐसे अपने अंदाज में। चलेगा ना बसोया करो है माता जी की माता श्री को प्रणाम प्रणाम। तो ये मम्मी जी घास कुतराई करते हुए बरसीन। दोस्तों लगभग दूसरा साल होने वाला है लेकिन पापा जी ना अपने उधर भरमौर वाले घर नहीं गए हैं। तो पापा जी को लगती है गर्मी अब त्यौहार आ रहा है बैसाखी वाला, तो बैसाखी में सभी लोग अपने अपने घरों को वापस होते हैं लेकिन पापा जी की मर्जी है कि मैं भी जाऊं। वहां पे बड़े भाई रहते हैं यहां पे तो हम सभी रहते हैं, इनका मन है कि मैं भी जाऊं एक बार घूम के आऊं। तो अभी मम्मी जी उनको बोल रहे हैं कि जाने को और इंग्लिश गर्ल भी यहीं हैं और ये जाएगी घर। तो इंग्लिश गर्ल बोल रही है कि बैसाखी को हम घर चले जाएँगे। मम्मी बोल रही है कि अगर आप चले जाएँगे तो मैं अकेले कैसे रहूँगी क्योंकि बेबी वगैरह भी अपने मायके चली जाएगी, आज मैं भी उनको छोड़ने जा रहा हूँ। तो ऐसे में इंग्लिश गर्ल भी बोल रही मुझे भी चले जाना है। तो मदर जी बोल रही है कि आप चले जाएंगे सभी लोग तो मुझे अकेले कैसे रहना है। फिर तो देखते हैं आज कैसा ये होने वाला है डिसाइड। चलिए हैं तो ना गाना बसोया गाना अंग्रेज जैसे बनाते हैं बसोया था बनाते अंग्रेज गाने रुते बसोया बनाते अंग्रेज जरा बसवा तो दौर पीछे महीने पूछ लो सुरु आवे हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है अप्रैल अंदर अंग्रेज जरा नवा साल चली शुरू हैं।
बेबी की ना मायके जाने की तैयारी हो रही है, और बेबी का देख लो मूड ऐसा है ना, सुबह सुबह जैसे गुलाब का फूल खिला होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है बैसाखी का त्योहार आने वाला है, तो बैसाखी हम अपनी गद्दी भाषा में बोलते हैं बसोआ। तो बसोए का क्या पर्पस है, क्यों मनाते हैं, और किसके जो पारंपरिक हमारे गीत हैं, जो लोकगीत हैं, उन्हें क्यों गाया जाता है, आज माता जी से जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सास और नूह का जो बहू का जो रिश्ता है, किस तरह से चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है, आज सास भी यहाँ पे बैठी हैं और उनकी बहू भी यहाँ पे बैठी हैं, मेरी धर्मपत्नी बेबी जी और मेरी माताश्री यहाँ पे बैठी हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में कैसी ये रहता है, आपके रिश्ते में भी कभी खटास सी रहती है या थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके रूबरू होंगे हम। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे माता जी से कि सबसे पहले तो आप बैसाखी आ रही है, और बैसाखी एक त्यौहार है बसोआ हम जिसको बोलते हैं, तो माता श्री अपनी गद्दी भाषा में बात करेगी। तो मामी जी आवे बसोआ लोग रहना है ना, तब बसोआ आके मैं कहता है लोग कहा बोलू बसोआ बंदो ता नोहा अपने प्यो के गाने जिद करते हैं, तब बोलू सारे पहले पहले हा हुआ बड़ी खराब बंदी थी यार, नोहा अंदर कुछ कामे बंदे होने तो क्या करे, मतलब का साबे गीत है कि का जो मनंदे थी बसोए रुको जा अंकू बेटे पहले हा हुआ ना बहिंदी तूने काकड़े खराया दी उन्हें थी ना बहिंदी बोली पे उसके जब चारी से अंकु यहाँ खड़े चुप बाने और दिन दो बंदी दीते थी तल्ला महिया दूंगे निखा रहे ताँग अच्छे पे उसके जो पानी है भेजी गाड़ बाजी को तो ताँग अच्छे पे उसके जो थी इतने बाल दी थक दी ना भेज दी ना बेचारी फिर हेड़ी बनो रे ना बांधे तो सही चेड़ी बनो रे ना बांधे तो ये मिहुनो रे ना कह पाता तो बेबा ताँ लंदे ना गीते जे ना भेजी थी ना तो फिर माँ बाजो बाजे थी ना जो भेजी है मुझे तो फिर माँ बेचार ना भाई हल्का बोला बुढ़ा सियाना बोला तेरे बुढ़े साहब ना बुढ़ा सियाना भाई तू साहब बोला तो तू जवान बुए ना फिर ना भेजी बोली तो बेचारी तो बन रही ना सारा गीत गए ना ले गए चिड़ी तो बन ली माए पर हेड़े बन लिया वंगीरी डाली पर बहले चावल तो पाया माए चंगेरी पाया चिड़ी बनी करी खा ले फिर बाली जे पिंदड़ी तो पिंदड़ी माए आपू खाए पिंदड़ी के पट्ठे मिंजो दिया मिंजो दीते गुड़ा का गुड़ा आने मिंजो दीता ते ते आज हूँ रे ना तो मेरे आज से भी जी हूँ रे ते ते आज से भी ये ना तो मेरे आपे हाँ हूँ आपे का दिन हो रहा है ये आपे था ते ये दादी हो रहा है बंदी बुनी ना कर तो आप तो मतलब तुम दे टाइम में सोच तो तू टाइम मेरे रहा तुम दे भी हाँ हो रहे हो रही होनी तो तुम दे कड़के बोले ठोकर बंदे थे हाँ हो ना मेरे बीचा तैने या तो सिर्फ बैठे कि ना बैठे थे क्यों क्यों सुबह बिकाल जी दी गए इन देगरा माहौल हाँ थी आवाज चली गया ऐसा जो जो भी अगर चली आए बेगी अपने कम्मा जो इन देहा हो गया फिर उसके छिड़ी दी बंदी जा दी पैर चला बहन रोट का छिड़ जो फिर वो दी बुढ़े दही दी बुखार ना दिया अपने माने चेते ना दिया अपने बुढ़ा था इसके बाद ना तो ये बल्लू था बुढ़ा था आवे थों पे बाद बाद आवे थों गाँव आगू हाँ आगू पे वो बदलू घर दिया दिया अब ऐसे यानी इन दिगो बिजु मरी हरे हरी और क्या भई यार इन तुम दिली यार हरे हरी और ना ये मोहे तो मतलब क्या है लगता है कि पहले जो हरे हरी खरे थी या प्योग की खरे थी कि आवे क्या खरे ना आवे खरे से क्या बदला ना कपूर हो था हाँ हुआ था कोशिश से कर दी खरे बांधने दी तो यार नो हज़ ना भी लग दी खरी कई जगह हाँ हुनो है ना बांध दी ने ये जगह ना बांध दे तन जाइन दे ब्यागा अपने अपने लाग 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 दे खा दे पुत्र बिना बोल ला बोल दे ना तो बेटियाँ ना के पुत्र वाले बिना जाए ले हो पुत्र भी ना बोगड़ी पुत्र उत्ती वाले फिर अब कदी ने कदी तीन ये बहु 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 के बंदा बहु बहु से चाहे झूठ लगा दे जब लाज दे बहु बहु से चाहे तेरे इंटरव्यू लेना पड़ेगा अपने अपने खाते अपने अपने कमाते ना माँ बाबा जो आजकल कई कई लोग है ना जानू करते ना
माँ बाप करा रहे थे, अपू करा रहे, किस खान किस आम को चुप हो जाओ। अरे मेरे पुत्र आवे अल्ले मेरे खारे ना तभी जो आओ खारे लानो ना जी मेरे खारे ना आसू अल्ले दिक्कत तो साल हो गया उसे साइन दे बैठ तुम दे बैठ चुरे तो अल्ले ऐसा ना वो आसू अंदर जो बोले ठोक कर बोया कि कभी ऐसे देरी ही ना तो आवे आगू मरा पाता ना आज दिक्कत तो आस दे रहे आस देखने दे ये पता ना लगा जो जाने जे नो हा कि आओ हा हो क्या दो थे तो दो बार पहले पहले मनुने पौड़े थे इधर आ रहा था मन। तो अभी हमने सुने माता जी के विचार, तो अब जानते हम बेबी से बेबी यही हो रहा नहीं तेरा कोई बेहूरा गुंड चुका है चुक चुक जाट पड़ कर तो बेबी तीजो क्या लगता है जी मम्मी बल्लू है कि पहले हो रहा आड़ी बड़ी बुरी बंदी थी तो तेरे हो रहे बुरे ना कि खरे ना जोर है बात जरा खरे ना बुरे का ना दही दिन दे हो रही हारी रही हो दही दिन दे ना है तीजो क्या लगता है कि हर बारे बंद हाँ हुआ बुरी बंदी ने यार ना बुरी बंदी ने तत्त्व जग लगता हैं हाँ हरी बंदी बुरी बंदी ने हरी बंदी ने बुरी बात बंदी जी अपनी माँ वाली बंदी तिंग्या बंदी ने लाड़े की माँ वाली हैं जी अपनी माँ वाली बंदी तिंग्या बंदी ने लाड़े की माँ वाली तो लोग को के मैं सीरी ना चंद देखी रही थोड़ी थोड़ी गलती सब नहीं मानी बंदी मेरे बोल सकता मैं जो मान जाए बोलना गलती रिश्ते उम्र लंबी उम्र तक चले रहने की वास्ते तू सुझाव क्या देना चाहनी है वाले दे अपने सुझाव दे मात रखना कि हाँ घर को रखना पे गाय दिन वास्ते क्या करना चाहिए थोड़ा थोड़ा मन सब भी मारना पड़ता ये जरूरी थोड़ी है कि अक्की देना कदर है तो सबनी जो के ना करना चाहिए कोशिश के इन दाड़ा का क्लेश ना पूछे थे तकर चुप भी रहना बंदा बलना जरूरी थोड़ी काला पाइए लेने थाने जनानी जा बल्लू बल्लू रख दे बल्लू लग दी ना अजय ते तुझे मेरे बारे बल्लू तेरे लाड़ में फलानी सो गिर तो तुझे आगे बंदी होने भी विश्वास नहीं डोल तो चल अच्छा दो जन अपने अपने मत दिखा अब तुसे बल मामी तुम्हें अगे चल गया तुझे पिछो रह अस ते मुहे रैंदी हैं फिर दो 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 साल ने भी इ'यां ने भी देने ऐ कस के इ'यां ना बलन होने आऊं जे भी लड़ाई बचाए हल्ले तक मुहे ना चौ साल हुई है बढ़िए चलो रे ते इ'यां चले भी है चलो ठीक है जी धन्यवाद तुंदा हाउ ना मारा तुंदा मैं कीमती टाइम लेऊगा तो दोस्तों आपने देखा कि अपनी गद्दी भाषा में इन्होंने अपने ब्याह किया है कि पहले ससुराल होते थे लेकिन खैर बात सबकी है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जो है सब में होती है ताली जो है दोनों हाथों से बजती है रोटी जो है दोनों हाथों से बनती है अगर एक में कहीं ना कहीं कमी है तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी तब जाकर जो रिश्ते में खटास आती है और अगर थोड़े से मतलब कंट्रोल मैं करूँ थोड़ा सा कंट्रोल ये बेबी करे थोड़ा सा कंट्रोल मम्मी पापा करेंगे तो मतलब रिश्ते जो है तब बनते हैं तो रिश्ते में दरार ना है इसके लिए सभी को जो है मन मारना पड़ता है मन यानी कंट्रोल करना पड़ता है एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ता है हाँ बीच में कभी कहाँ सुनी तो हो जाती है वो बात अलग है वो तो हर परिवार में होती है लेकिन जैसी माँ अपनी वैसी ही ससुर ससुर जो है सास जो है तो वो होते हैं तो ये कहीं ना कहीं मम्मी ने भी बताया कि रिश्ते जो है अपने चलाने पे होते हैं और बसोआ जो था एक त्योहार इस तरह मनाया जाता है कि हुआ होगा किसी जमाने में भी एक लड़की अपने ससुराल जाने की ससुराल से मायके जाने की जिद करती थी और उसको सास ने इतनी ज्यादा टॉर्चर किया था कि ये काम करके जाओ वो काम करके जाओ ऐसे में उसको करते करते जो शाम हो चुकी अंधेरा हो चुका उसके तो उसको भेजा नहीं गया और ऐसे में उसने अपने प्राण त्यागे फिर उसने बीच उसके लिए गाना गाया गया था कि माता आप नहीं आ सकते मेरे भाई को मुझे भेजना है इस त्यौहार के लिए लेके जाना पापा को भेजना तो उसके साथ माँ बोलती है कि आपका पापा वृद्ध हो चुका है आपने आपका भाई जो है वो अभी छोटा है तो ऐसे में कोई नहीं आने वाला तो आप खुद ही आएँ और खुद ही जाएँ तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से गीत हैं इसमें मम्मी आपको सुनाएंगी तो
तो ऐसे ऐसे दोस्तों रिश्ते होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज आजकल की जो सास ससुर है ऐसे इतने ख़राब भी नहीं है, लेकिन पहले कुछ ऐसी मानसिकता होती थी लोगों की कि कभी घर से बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने ऐसे ज़माने ऐसे जो है टाइम देखे नहीं थे, तो हो सकता है, लेकिन आज जो है बेहतर टाइम है, आप सभी समझदार लोग हैं, तो पहले भी समझदार होते थे, कहीं ना कहीं गलती तो सब में होती है, तो ऐसे में अपने रिश्तों को बनाए रखें और आप सभी को बसोई की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय शिवा।